नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं आंखों से धुंधला दिखाई देने के मामले में, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्मी रानी। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सारे श्रोताओं को मैं प्रणाम बोलना चाहूँगी। बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देता है, और बहुत चीज़ें करते भी हैं, घरेलू तौर पे उपचार भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? आंखों से धुंधला दिखना अपने आप में एक गंभीर बीमारी का आगाज हो सकता है, और एक बहुत ही छोटी सी समस्या जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की कमी भी हो सकती है। तो इसके दोनों एक्सट्रीम एंड्स हो सकते हैं, एक बहुत मामूली सी बात या एक बहुत गंभीर समस्या, दोनों। तो इसकी जांच एक डॉक्टर से करानी चाहिए, क्योंकि आँखों में धुंधलापन होने के लिए चश्मे की ज़रूरत के अलावा मोतियाबिंद एक वजह हो सकता है। इसकी एक वजह काला मोतिया या ग्लॉकोमा हो सकता है। इसकी तीसरी वजह डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, मतलब डायबिटीज से आँख के पर्दे पे जो नुकसान होता है वो इसकी एक अहम वजह हो सकता है। और धुंधला दिखने के अनगिनत कारण हो सकते हैं, जो कि एक नेत्र विशेषज्ञ जांच करके, परीक्षण करके अपने मरीज को जानकारी दे सकता है और उसका उचित इलाज कर सकता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि धुंधला दिखाई देता है, तो धुंधला दिखाई देने के अलावा भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं कि किसी बीमारी के संकेत हैं? अब ये डिपेंड करता है कि धुंधला किस वजह से दिख रहा है। जैसे मैंने अभी कुछ बीमारियों का नाम लिया, अगर मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद के अलग भी कुछ और लक्षण होंगे, जैसे कि कलर में बदलाव, कलर परसेप्शन चेंज हो सकता है। कोई अगर नाइट ड्राइविंग करता है तो सामने से आती हुई गाड़ियों की जो रोशनी है वो उसकी आँखों को चकाचौंध कर सकती हैं। ठीक वैसे काला मोतिया जब किसी भी मरीज को होगा तो ये बेसिकली एक साइलेंट किलर है। शुरुआती दिनों में इसमें कोई लक्षण नहीं होंगे, और जब मरीज को इस बात का आभास होगा कि उसे देखने में दिक्कत आ रही है, उस समय तक काला मोतिया बहुत एडवांस स्टेज में जा चुका होता है। तीसरी जो एक प्रमुख वजह है आजकल के समय में, जो रोशनी कम होने की है, जिसको मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला, तो इसमें भी बहुत से अलग किस्म के लक्षण भी हो सकते हैं। और मरीज़ को इसकी जानकारी भी ज़्यादातर मामलों में होती है, क्योंकि वो डायबिटिक है और डायबिटीज़ का उसका इलाज चल रहा होता है, जो अधिकतर केसेस में कंट्रोल में नहीं रहता, तभी डायबिटिक रेटिनोपैथी में पेशेंट से ग्रसित हो जाता है। अब इसके लक्षण में कई बार आँखों के सामने कुछ मक्खी के जैसा उड़ना, कुछ बाल के रेशे जैसी चीज़ तैरना, या कुछ मकड़े के जाल के जैसा दिखना, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या कैटरैक्ट के। तो इन जभी भी ऐसे कोई, या चिंगारी के जैसा दिखना, है ना, ये सब चीज़ें रेटिना पे असर हो रहा है, इस बात के सूचक होते हैं। ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नज़दीक के नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर परामर्श लेना चाहिए। जैसा कि आपने ये भी बताया था कि कोई बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं या फिर सामान्य भी हो सकता है, अगर सामान्य मिले तो आजकल घंटों लोग कंप्यूटर पर बैठ के काम भी करें, तो ये एक कारण माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कई बार कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मतलब कि कोई कंप्यूटर पर या इन डिजिटल डिवाइसेस पर अगर 2 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत करता है, जैसे बैंक में काम करने वाले कर्मचारी, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या जो लॉयर्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वक्त लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजरता है, उन लोगों की आँखों में ड्राइनेस भी एक वजह हो जाती है, जिसकी वजह से उनको देखने में धुंधलापन, शाम होते होते सर में दर्द, आँखों में भारीपन, आँखों में लालिमा आ जाना, आँखों से निरंतर पानी का प्रवाह होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं कंप्यूटर पर अगर बहुत समय कोई व्यतीत करता है तो। तो जैसा कि सामान्य बात ही हम लोग कर रहे हैं, तो सामान्य चीज़ों में अगर देख लिया जाए तो किसी तरह की इसके लिए थेरेपी हो सकती है कि जैसे बॉडी थेरेपी होती है, वैसे आँखों के लिए भी कोई सामान्य थेरेपी हो सकती है? आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसकी नमी को मेंटेन करने के लिए कुछ चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में बहुत सी ऐसी थेरेप्यूटिक दवाइयाँ तो हैं ही, जो कि हम लोग प्लेन लुब्रिकेंट्स के नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं, ये तो एक बहुत ही अच्छी एक अच्छा थेरेपी है आँखों के लिए। इसके अलावा हर 1-2 घंटे के बाद एक कंप्यूटर ब्रेक लेना चाहिए, कहने का मतलब 30 सेकंड के लिए कम से कम आँखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में आँखों को घुमाइए,
और हर दिशा में कम से कम 10 times। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज आंखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है। कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नज़र हटाकर दूर की किसी भी चीज़ को फोकस कीजिए। जैसे द मोमेंट यू फोकस ऑन समथिंग डिस्टेंट, दूर की चीज़ को आप फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से आंखों को रिलैक्सेशन होता है। तो लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल, आंखों को सारी दिशाओं में घुमाने वाला एक्सरसाइज और किसी भी दूर की चीज़ को फोकस करना 30 सेकेंड के लिए, ये आंखों का एक अच्छा व्यायाम है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का धन्यवाद। उम्मीद है डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं उसको आपने ठीक तरीके से जान और समझ लिया होगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।